हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएम मोहित अगरवाल हेयर फ्रॉम कोलकाता। रक्षाबंधन की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे भाई बहनों को बहुत ही मुबारक हो ये त्यौहार। आज जिस पर्पस के लिए अपने मिले हैं वो बहुत ही जरूरी पर्पस है दोस्तों। सबने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा और रिवीजन से याद आता है रिवीजन टेस्ट पेपर इशूड बाय ICAI। अब जो ICAI ने रिवीजन टेस्ट पेपर ऑडिट के लिए इशू किया है दोस्तों फॉर नवंबर 2018 टर्म, उसमें दो बहुत अहम मिस्टेक्स हैं जिसको अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो एग्जाम में इन लोग फिर नंबर काट लेंगे। तो आइए वो जो दो मिस्टेक्स ICAI से हुए हैं उसको अपने रेक्टिफाई कर लेते हैं। मिस्टेक होना कोई बड़ा बात नहीं होता, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट इतना बड़ा लेवल पर ऑपरेट करते फिर भी मिस्टेक कैसे हो गया, ये सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आइए अपने उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला मिस्टेक RTP में अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, दिस वन पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों, दिस पॉइंट नंबर थ्री। यहां पर जो मिस्टेक है वो केवल ये शब्द का है एंड, जबकि होना चाहिए और। आइए ये 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, बिल्कुल सही पहचाना, सेलिंग लिमिट। आप तो जानते हैं ना 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जी डील्स विद व्हाट, सेलिंग लिमिट। व्हाट इज सेलिंग लिमिट? सेज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स कैन नॉट एक्सीड 20 पर पार्टनर हु इज नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। 20 पर पार्टनर हु इज नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अब जब ये 20 पर पार्टनर का हम लोग ऑडिट निकालते हैं ना, वेल कंप्यूटिंग दिस 20 पर पार्टनर वाला लिमिट, सबको पता है ना कि 20 पर पार्टनर में कुछ कुछ हम लोग ऑडिट्स काउंट नहीं करते, सीलिंग लिमिट के बाहर रहता है। बिल्कुल सही, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। बट फिर ये जो प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशन मिलता है ये तभी मिलता है, तभी उन लोग सीलिंग लिमिट के बाहर रहते हैं, 20 के अंदर काउंट नहीं होते हैं, इफ दे हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। और है यहां पर और, जबकि इन्होंने यहां पर क्या लिख दिया एंड, इन्होंने लिख दिया इफ सच कंपनी हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92 ना, ये यहां पर और होना चाहिए, ठीक है। एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 13 जून 2017। इसको साबित करने के लिए आइए अपने सीधा चलते हैं भारत के राजपत्र e-gazette.nic.in। चलिए आइए e-gazette.nic.in में जब आप जाइएगा, केरला के लिए मोदी जी डोनेशन मांग रहे हैं, बिल्कुल सबको करना चाहिए, मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने डोनेशन कर दिया, अमाउंट ना पूछे, जिसको जितना करना चाहिए उसको करना चाहिए उतना। चलिए बढ़ते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में इफ यू गो टू सर्च गैजेटे, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि सही और गलत कैसे सर्च किया जाता है। सर्च गैजेट में जाइएगा, सर्च बाय मिनिस्ट्री में जाइएगा, सेलेक्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ढूंढिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर नहीं, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। जून 2017, तो 2017 सर आ गया 2017, ठीक है दोस्तों, मंथ में आप डाल दीजिएगा जून, ये रहा दोस्तों, सर्च मारिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सही नोटिफिकेशन क्या आया था 13 जून 2017, ये रहा वो 13 जून 2017 का नोटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट बात कर रहा था, इंस्टीट्यूट ने लिखा एंड, जबकि यहां पर है और। ये देखिए, ये है आपका भारत का राजपत्र द गैजेटे ऑफ इंडिया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, लेट अस गो टू द इंग्लिश पार्ट, ठीक है, ये रहा वो इंग्लिश पार्ट जो ये बोल रहे थे ना कि जो एक्सेप्शंस वगैरह जो प्राइवेट कंपनी को मिलेगा वो तभी मिलेगा, ये रहा देखिए, देखिए दोस्तों, विच हैज नॉट कमिटेड द डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 137 ऑफ द सेलेक्ट, और उन्होंने इंस्टीट्यूट ने वहां पर क्या लिख दिया था एंड, जबकि सही क्या है और, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ द सेलेक्ट। सो वापस एक बार देख लीजिए, which has not committed default नहीं किया, किसमें default नहीं किया, financial statement में default नहीं किया under 137 और annual return under section 92, तो आपको ये language लिखना है, जबकि institute ने RTP में
गलती से क्या रखा है एंड, तो आप इसको यहां पर और पढ़िएगा. ओके. इसके अलावा जब आपने देखे दूसरा बड़ा मिस्टेक जो आईसीआई के आरटीपी में है वो यहां पर है. और हेयर याद है आप लोग को सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, बिल्कुल आई फॉर इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल. सो 143 सबसेक्शन 3 जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रहता था ना, 143 सबसेक्शन 3 के तहत ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, उसमें क्लॉज नंबर आई जो था वो था इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता था ना कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपनी ने एडिक्वेट बनाया है कि नहीं बनाया है. बट ये रिपोर्टिंग का दरकार नहीं था, क्लॉज आई का जो रिपोर्टिंग था वो दरकार नहीं था ऑडिटर को करने का ऑन फ्यू कंपनीज, ठीक है. उसमें कौन था, एक प्राइवेट कंपनी भी था. प्राइवेट कंपनी के लिए देखिए एग्जेम्पशंस था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो क्लॉज नंबर आई है, हम लोग को सारे कंपनी के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा बट कुछ कुछ कंपनी के ऊपर रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. क्लॉज आई का रिपोर्टिंग नहीं होगा किन लोगों के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज जो कि या तो वन पर्सन कंपनी है या फिर स्मॉल है या फिर, ठीक है यहां तक ठीक है सब कुछ ठीक है, 10 करोड़. तो मतलब या तो आपका प्राइवेट कंपनी एक ओपीसी है या आपका प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल कंपनी, आपको तो पता ही है ना ओपीसी स्मॉल कंपनी दिस इज नथिंग बट प्राइवेट कंपनी. तो या तो तुम्हारा प्राइवेट कंपनी एक ओपीसी है, चलो ठीक है ओपीसी नहीं है तो स्मॉल कंपनी है, चलो स्मॉल कंपनी भी नहीं है फिर भी एग्जेम्पशन है, क्लॉज आई का रिपोर्टिंग नहीं होगा. अगर आपका प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है और विच इज एन एग्रीगेट बोरिंग्स ऑफ लेस देन 25 करोड़, ये और जो है ना ये गलत है, यहां पर एंड होना चाहिए. या तो प्राइवेट कंपनी ओपीसी है या फिर स्मॉल कंपनी, यहां तक सब ठीक है. तीसरा प्रकार का जो प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा, वो तीसरा प्रकार का प्राइवेट कंपनी को तभी एग्जेम्पशन मिलेगा जब उसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एंड नॉट और एंड बोरिंग लेस देन 25 करोड़ है. एक्चुअल में ये जो और है ना ये एंड होगा, मतलब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तभी आपके ऊपर ऑडिटर जो है क्लॉज आई का रिपोर्टिंग नहीं करेगा. कौन से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेंगे, आपका एनुअल टर्नओवर जो है लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग लेस देन 25 करोड़ एंड. अगर आप ओपीसी है या फिर स्मॉल है तब तो आपका बात बन गया, बट अगर आप ओबीसी भी नहीं है स्मॉल भी नहीं है कोई बात नहीं, आपको फिर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग लेस देन 25 करोड़. लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहां पर और क्यों लिखा है, गलत है. बट गलती के कारण भी एक है, गलती का कारण भी एक है, भारत सरकार से पहले गलती हुआ था बट भारत सरकार ने तो तुरंत एक महीना बाद कोरिजेंडम यानी करेक्शन ले आया था ऑफिशियल गैजेट में, बट इंस्टीट्यूट ने उस करेक्शन को देखा नहीं है और यहां पर पुराना वाला डाल दिया है. आइए हम आपको दोनों दिखाते हैं. देखिए दोस्तों हुआ क्या था, देखिए असली मामला क्या है, मजा देखिए. वापस से अपने को जाना पड़ेगा ये गैजेट क्योंकि वही असली सोर्स है, व्हाट्सएप इज नॉट द ट्रू सोर्स. कैसे कैसे सर्च करेंगे, क्या बोले थे हम, ठीक है मोदी जी मैंने बच्चों को भी बता दिया है. आइए सर्च गैजेट, सर्च बाय मिनिस्ट्री, सेलेक्ट मिनिस्ट्री, सेलेक्ट मिनिस्ट्री, वेयर आर यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये रहा, ठीक है. अब मजा का बात हम आपको दिखाते हैं, पहले वही 13 जून 2017 में चलते हैं. आइए जून 2017 देखिए इंस्टीट्यूट से ऐसा गलती क्यों हुआ, ध्यान से देखिएगा आखिर क्या कारण था इंस्टीट्यूट के गलती करने का. देखिए ये रहा मैंने गैजेट खोल लिया 13 जून 2017 का, 13 जून 2017 को गैजेट में देखिए क्या लिखा हुआ था दोस्तों, ये रहा 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई. आपको ये तो याद आ रहा ना 143 सबसेक्शन 3 क्या था, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट, उसमें क्लॉज आई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट करता था रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो नहीं करने का दरकार है, ठीक है.
क्योंकि प्राइवेट कंपनी कंप्लायंसेस कितना करेगा, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा, कैसा प्राइवेट कंपनी, या तो वो ओपीसी है और स्मॉल कंपनी, या तो ओपीसी है या फिर स्मॉल है, या फिर यहां तक सब ठीक है, विच इज अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, ठीक है। अब यहां पर और लिखा हुआ है जो कि इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी लिखा हुआ है, बोला या तो टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है या फिर बोरिंग लेस देन 25 करोड़ है, जो कि इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी लिखा हुआ है, और है ना इंस्टीट्यूट ने भी और लिखा ना, क्योंकि ये गैजेट है भारत सरकार, भारत का राजपत्र 13 जून 2017। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने तुरंत जुलाई 2017 में यानी एक महीना बाद अपना कोरिजोंडम लेकर गया, यानी करेक्शन लेकर गया। आइए उस करेक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई 2017 में अपने जा रहे हैं, देखिए ये ठीक एक महीना बाद आप देख सक रहे हैं दोस्तों, 13 जुलाई 2017, इंग्लिश में कोरिजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिजनम, करेक्शन, बिल्कुल सही, न्यू दिल्ली 13 जुलाई 2017 ने, ठीक है, एमसीए द्वारा जारी, इन्होंने यहां पर अपना गलती माना कि ना जो और था उसको रेड किया जाएगा, एंड यानी वो जो उन लोग लिख करके रखे थे ना, प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ और बोरिंग लेस देन 25 करोड़, दैट और विल बी रेड एज एंड, मतलब दैट और विल नॉट ओनली बी रेड एज एंड सब्स्टिट्यूटेड एज एंड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं और को एंड की तरफ पड़ा जाएगा, वो और मिसप्रिंट था उसको इन्होंने सही करके एंड लगाया। इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमसीए पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया X20 पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन, आई वगैरह वगैरह वगैरह, जो 13 जून 2017 को छापे थे ना हम लोग पेज 4 में, जो अभी हम दिखाए थे आपको 13 जून 2017 पेज 4 पैरा नंबर 5 इन द टेबल इन कॉलम 3 वगैरह वगैरह वगैरह, जो और है रेड स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, तो मेक श्योर आप इस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को सही कर लें, ठीक है। एक बार वापस से वो दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, दोनों जो मिस्टेक्स है उसका रिविजन आप देख लीजिए, यहां पर एंड नहीं होगा और होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट से ये पहला गलती हुआ, और फिर जो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जो आई था उसमें प्राइवेट कंपनी को तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, या तो ओबीसी है या फिर वो स्मॉल है या फिर उसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एंड बोरिंग लेस देन 25 करोड़। तो भारत सरकार से भी पहले 13 जून 2017 को जब आया था ये मिस्टेक हुआ था, उन्होंने और लिखा था, फिर उन्होंने 13 जुलाई 2017 जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया उसमें उन्होंने अपना और को एंड कर दिया, बट इंस्टीट्यूट ने 13 जून वाला दिया है, 13 जुलाई 2017 वाला नहीं दिया है, तो ये गलत है, आप इसको कृपया करके और की जगह एंड कर ले। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और ऐसे गलतियां अगर इंस्टीट्यूट से होती हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग हैं आपको समझाने के लिए, सही गाइड करने के लिए, बट इंस्टीट्यूट मेरे बच्चों का तो नंबर काट लेता है ये सब में, अब आपका नंबर कौन काटे, चले कोई बात नहीं, हम लोग सब एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। चलिए, टेक केयर, भूलिए मत ये वीडियो को जितना से ज्यादा आप शेयर कर सके, लाइक कर सके, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके साथ आकर के अपडेटेड रहूंगा, आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। रिविजन टेस्ट पेपर मैंने लॉ का डाल दिया है, ऑडिट का भी डाल दिया है पूरा सॉल्व करके, आप उसको जरूर फॉलो करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।